ऐसा लगता है कि नेतन्याहू की जिद ने इजराइल को बुरी तरह से फंसा दिया है। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर उपजता असंतोष, दूसरी तरफ पड़ोसियों का बढ़ता टेंशन। कुल मिलाकर इजराइल के लिए हालात चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। सिलसिलेवार आपको बताते हैं। नेतन्याहू बंधक संकट नहीं सुलझा पाने के कारण घर में घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के फोर्स गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ताजा अटैक में गाजा के एक कैंप पर हुआ है। इस हमले में 40 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेतन्याहू की इसके लिए दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है, लेकिन नेतन्याहू का दो टूक जवाब है कि जब तक हमास के आखिरी आतंकी के अंत तक हमला रुकेगा नहीं। अब मलबे का यह ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान यूनुस में बर्बादी की सीमा क्या है, आदमी के आदमी द्वारा मारे जाने की इंतहा क्या है, या तो थोड़ी बहुत तबाही है। लेकिन 11 महीनों की जंग में ऐसी सैकड़ों हजारों नहीं लाखों तस्वीरें आ चुकी हैं। पूरा गाजा इस वक्त बारूद का दलदल बन चुका है। चारों पहर मौत का साया मंडरा रहा है। कब कहां से मौत दस्तक दे दे, लोग सहमे हुए हैं। हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। 10 सितंबर की सुबह इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के दक्षिण में हमला किया। इस हमले में 40 लोग मारे गए और 60 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इजरायली सेना ने अल मवासी इलाके में एक टेंट कैंप में 4 मिसाइलें दागी। ये हमला गाजा के खान यूनिस शहर के अल मवासी इलाके में किया गया। गाजा के खान यूनिस शहर में जिस जगह को निशाना बनाया गया, ये वही इलाका है जिसको इजरायली सेना ने युद्ध शुरू होने पर सुरक्षित इलाका बताया था, जिसके बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने यहां शरण भी ली थी। लेकिन अब यहां के हालात कुछ और ही हैं। हमले से 20 टेंटों में आग लग गई। शरणार्थी शिविरों में बरसाई गई मौत को लेकर नेतन्याहू की चौतरफा आलोचना भी हो रही है। दूसरा पहलू हमास है। हमास ने कहा कि हमने कई बार इनकार किया कि उसके कोई भी सदस्य नागरिक सभाओं में मौजूद नहीं है, ना ही इनका सैन्य उद्देश्यों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास की इस दलील की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये फैक्ट है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के चप्पे चप्पे पर हमला किया। किसी शरणार्थी शिविर पर हमला पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जिसे इजरायल ने खुद ही सुरक्षित इलाका करार दिया उस पर भी अब हमला चिंता पैदा करता है। जावाला कैंप, बीच कैंप, नुसेरात कैंप, बुरोजी कैंप, मगाजी कैंप और भी कई कैंप, इन कैंपों में लाखों लोग रहते हैं। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का तर्क है कि इन कैंपों में आम फिलिस्तीनियों के बीच हमास के आतंकी छिपे रहते हैं, जिनकी तलाश कर पाना मुश्किल है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स इन कैंपों पर मिसाइल बरसाती है जिसमें हमास के आतंकी मरते हैं या नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आम फिलिस्तीनियों की मौत तय होती है, जिनकी तस्वीरें रूह कपा देने वाली होती है। खान यूनुस में 40 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें किस अस्पताल में इलाज मिलेगा इसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के हमलों में गाजा के अस्पताल भी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जंग की वजह से गाजा की करीब 23 लाख की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हुए हैं। ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना भोजन है, ना इलाज की व्यवस्था बची है, लेकिन ना हमास के हथियार डाल रहा है और ना ही नेतन्याहू को रहम आ रहा है। नेतन्याहू तो अब भी वही कह रहे हैं जो 11 महीने पहले जंग शुरू करने के दौरान कह रहे थे कि अंतिम हमास आतंकी के मारे जाने तक हमले रुकेंगे नहीं। उसके बाद से गाजा में मुकम्मल कुछ भी नहीं बचा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेतन्याहू से अपील कर चुके हैं कि निर्दोष लोगों की मौत को तत्काल रोकना होगा, लेकिन नेतन्याहू की सेहत पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,900 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा कराने की कोशिश जारी है। इसमें अमेरिका और मिस्र के साथ कतर भी बेहद अहम भूमिका निभाता आ रहा है, लेकिन जमीन पर ये सारी कोशिशें औंधे मुंह गिर रही हैं। नेतन्याहू किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तो छोड़ दीजिए, तो नेतन्याहू अपने देशवासियों की भी नहीं सुन रहे हैं।
बंधकों की मौत के बाद जिस तरह से इसराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू उन सबको कुचल हमास के अंत में इसराइल का उद्धार दिख रहे हैं। गाजा की जिन सुरंगों में हमास आतंकियों को चुन चुन कर इजरायली डिफेंस फोर्स मारने का दावा कर रही है, इसराइल के लोग अब कह रहे हैं कि उन्हीं सुरंगों में बंधक इजरायली लोगों को मारा जा रहा है और नेतन्याहू कुछ नहीं कर रहे। एक और बात समझिए, गाजा पट्टी में सुरंगें पूरे क्षेत्र में फैली हैं, एक विशाल भूमिगत भूलभुलैया है। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक समय इजरायली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं, लेकिन यह अनुमान उस वक्त गलत निकला जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई में 1500 से ज्यादा टनल शिफ्ट की खोज निकाली। इन सुरंगों में रेलवे ट्रैक है, इन सुरंगों में रहने खाने की हर तरह की व्यवस्था मौजूद है। इन सुरंगों से ही होकर हमास हथियार मांगता है और भेजता है। इन सुरंगों को तबाह करने की दलील के साथ ही इसराइल ने स्कूलों अस्पतालों पर हमले शुरू किए थे कि इन जगहों के नीचे सुरंगें गुजरती हैं, इनके दरवाजे इन्हीं अस्पतालों में खोलते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इन सुरंगों की हकीकत को अब भी इसराइल पूरी तरह समझ नहीं पाया। हमास से छूटे एक बंधक ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं, ना तो उन्हें और ना ही सेना को गाजा में हमास की सुरंगों के बारे में कुछ पता है। बंधकों की रिहाई के लिए शुरू हुए जंग के लिहाज से देखें तो नेतन्याहू बुरी तरह से फेल है। याद दिला दें कि इजरायल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग छिड़ी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास के बंदूकधारियों ने गाजा से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमास ने इसराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार दिया था, करीब 250 लोगों को बंधक बनाया था। हमले के बाद इसराइल ने भी हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। गाजा में युद्ध विराम करने की कोशिशें बेहद मुश्किल भरी और ज्यादातर नाकाम साबित होती नजर आई। नेतन्याहू रुक नहीं रहे और हमास रुकने वाला नहीं दिखता। नतीजा है कि गाजा खून से रंग गया है, लाशें बिछ रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन रुको नेतन्याहू की पुकार लगा रहे हैं, जिसका असर निलबट्टा सन्नाटा है। इसके अलावा नेतन्याहू के घर के अंदर यानी अब लोग बंधक संकट से निपटने में नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। एक विशाल प्रदर्शन भी उनके खिलाफ हो चुका है, बावजूद इसके नेतन्याहू का अड़ियल रवैया बना हुआ है जो विश्व बिरादरी के बीच उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।